मेरे सामने बैठी मेरी माताएं बहने, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी नेतागण, सभी कमेटी के सदस्य और मीडिया के साथियों, मैं एक बार फिर से जो हमारे शहीद किसान हैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो परिवार है और पूरे गांव के जो जो यहां मौजूद हैं, जो पिछले 90 दिन से संघर्ष कर रहे, आज एक विकट समस्या में हैं, सबको मेरा राम राम है, सबको मेरा प्रणाम है। साथियों, आज चौथा दिन हो गया और चार दिन में पहली बार जो हमारे अंदर के भाव हैं वो थोड़े से टाइम में आपके बीच में रखना चाहते हैं, और जितने भी साथी खड़े हैं उनसे प्रार्थना है कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाए सब। साथियों, आजादी के 75 साल बीत गए, आज भी हमें अपने हकों के लिए पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़ते हैं, आज भी हमारे बुजुर्गों को पीटा जाता है, हमारी माताओं बहनों को पीटा जाता है। जो लोग वोट लेकर के गए वो लोग एसियों के अंदर बैठे हैं, और वोट देने वाले जो है सड़कों के ऊपर बैठे हैं, और हमारे आदमी की हत्या हो जाती है। मेरी सभी से यह प्रार्थना है कि यह लड़ाई हथियारों की नहीं है, और खास करके सभी नेता युवा साथियों से अपील कर रहे हैं, और हमारी भी यह प्रार्थना है कि यह लड़ाई हथियारों की नहीं है, यह लड़ाई हौसलों की है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आंदोलन महात्मा गांधी के रास्ते से होते हैं, हिंसा किसी बात का समाधान नहीं है। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग भी हैं और हम महात्मा गांधी को मानने वाले लोग भी हैं। जोश हमारे अंदर होना चाहिए सिर जोड़ने के लिए, लेकिन होश के बिना जोश का कोई काम नहीं है। और साथियों, जो बातचीत चल रही है, तीन बार प्रशासन के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन कोई बात सिरे नहीं चढ़ी है। अभी भी मैं जब उठ के आ रहा था तो गांव के कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि गांव में दहशत बनाने का काम चल रहा प्रशासन द्वारा, गांव को डराने का काम किया जा रहा है। और हम भी जब रात को 12:30 बजे की बात है, पुलिस की गाड़ियां घूम रही थी, अलग अलग गांव के गलियों में जाती हैं, पुलिस दबी देने का काम कर रही है। इस सभा से और इस आंदोलन स्थल से पूरे गांव से भी अपील है, और पुलिस प्रशासन को भी यह चेतावनी है कि हम लड़ने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज मुगलों के खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 75 साल से अलग अलग सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी पगड़ी को चोट मारी गई है, हमारा गिरेबान पकड़ा गया है। सरकार कान खोल करके इस बात को सुन ले कि किसी प्रकार का दबाव सहन नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, कान खोल के सुन लो। ना तो पुलिस के दबाव में गांव दहशत में आएगा, और ना गाड़ियां घुमाने से हम डरने वाले लोग हैं। और पूरे गांव को यह आश्वासन है, यहां खापों के भी नेता हैं, यहां अलग अलग आपके किसान नेता भी हैं, जब तक इस लड़ाई को जीत नहीं जाते,
तब तक गांव को छोड़ के नहीं जाएंगे, सब मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि ये गांव के सम्मान की बात है, ये गाय के सम्मान की बात है, ये गौशाला के सम्मान की बात है। और ये गाय के नाम पे राजनीति करने वाली बीजेपी और जेजेपी की सरकार के लिए हमारी चुनौती भी है। साथियों, सारी बातें आपके बीच में आई कि हमारे जो चार भाई जेल में हैं, जिनसे हम कल मिलकर के आए हैं, और उन चारों नौजवानों का हौसला हमें लड़ने की ताकत देता है। कोच साहब बता रहे थे कि उन चारों नौजवानों ने एक साथ ये बात कही कि हम जेल में रहने से नहीं डरते, परिवार के लोग हमारी बिल्कुल चिंता ना करें, आंदोलन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, आंदोलन की हार नहीं होनी चाहिए, हमें चाहे सारी जिंदगी जेल में रहना पड़े, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम कट सकते हैं, हम मिट सकते हैं, लेकिन हमने कभी झुकना नहीं सीखा। साथियों, इसके अलावा जो मेन जो बात है, तीन बार की बात हुई है, बिल्कुल सही बात है, हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। अब कमेटी का फैसला यही है कि जो हमारा मेन मुद्दा है, मुकदमे वापसी की, हमारे चारों भाइयों को बाहर निकालने की, और शहीद परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी, सरकार अगर करना चाहे तो 10 मिनट में इस काम को कर सकती है, कल वकीलों की भी सलाह ली गई है, और ना करना चाहे तो हमें कोई गरज नहीं है, आदमी हमारा गया है, 302 के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं, सड़कों पर हम बैठे हैं, गरज होगी तो बात कर लेंगे, मांग मान लेंगे, नहीं होगी तो वो अपनी ताकत लगा लेंगे, हम अपनी ताकत लगा लेंगे, हमने पहले भी सरकारों को हराया है, आज भी हराएंगे और आगे भी हराएंगे, हम हिम्मत हारने वाले लोग नहीं है। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना है, और मुकदमा भी कौन सा, मुकदमा भी 302 का, अगर गौशाला की लड़ाई लड़ने के लिए और गाय की लड़ाई लड़ने के लिए अगर 302 के पर्चे दर्ज होते हैं तो हजारों बार करो, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारे ऊपर मुकदमे कोई नई चीज नहीं है, हमारे लिए जेल कोई नई चीज नहीं है। सरकार इस बात को सुन ले कि हम घुटने नहीं टेकने वाले हैं। और खेतड़ वालों को भी यह प्रार्थना है, सारा हरियाणा आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, घर घर से बाहर निकलो, और गांवों का सम्मान केवल बचाना नहीं है, सम्मान बढ़ाना है, और इस सरकार का इलाज करना है, इलाज करना है, जब जाकर के हमें तसल्ली मिलेगी। दोनों हाथ उठा के इस बात का समर्थन करें, धन्यवाद। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए, जो लोग सरकार में बैठे हैं उनको भी हम ये बात बताना चाहते हैं, इस मामले को लेकर के हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कुछ नए लोग आंदोलन में आए, अचानक आए, और उन्होंने आकर के आंदोलन को हिंसक बना दिया। ये बिल्कुल गलत बात है, किसी भी उप मुख्यमंत्री को या दुष्यंत चौटाला को यह अधिकार नहीं है, हमने अपना आदमी खो रखा है, हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, गलती उन्होंने कर रखी है, गलती हमने नहीं कर रखी। दुष्यंत चौटाला जो जड़े के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे, ऐसे बयानों को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी एक प्रार्थना है सबसे, बार बार ये बात आ रही है, यहां सारे नौजवान साथी भी बैठे हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसा कोई काम मत करना, किसी ने कर दिया वो कर दिया, लेकिन आगे से ऐसा कोई काम मत करना जो सबके लिए सबका सिर शर्म से झुका दे। यहां सारे नौजवान साथी बैठे हैं,
बार बार बात आ रही है, बहुत सारे वक्ता भी बोल रहे, हमारे जो नौजवान साथी हैं, आप शिवराम गिरी जी को मानते हो, शांति गिरी जी को मानते हो, दादा खेड़ा को मानते हो, आप अपने इन नेताओं को मानते हो, दोनों हाथ उठा के इस बात का, इस पंचायत को, इस सभा में विश्वास दिलाओ कि जो कमेटी का फैसला होगा उसको सिर झुका करके मानेंगे सब लोग। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, अनुशासन के बगैर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आपके आगे आपके नेता खड़े हैं, अगर कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा या और कुछ करना पड़ेगा तो हम आपके आगे खड़े हैं। जो कुछ होगा वो पहले हमारे साथ होगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। पहला आपका नंबर नहीं है, लेकिन अनुशासन मत तोड़ना। और लड़ाई हारेंगे नहीं, हमारी कोई लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, हमारी कोई लड़ाई मंत्री बनने की नहीं है, हमारी लड़ाई हक की है और हक की लड़ाई जीतेंगे। जो प्रशासन ने चालाकी करी, जो धर्मपाल सारण जी हैं, बिल्कुल बार बार ये बात आई कि उनकी मौत पुलिस की लाठी से हुई है, और पुलिस प्रशासन ने चालाकी दिखाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए दूसरा वीडियो जारी किया कि ट्रैक्टर के नीचे आने से मौत हुई है। हम हर तरह से मजबूत हैं, हर बात का मजबूती से जवाब देंगे, और उस कमेटी में हम उपस्थित होने के नाते पूरे गांव को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम कोई बात कमजोरी से हमारे नेताओं ने नहीं करी अब तक, वो आपके लिए सीना ठोक करके बात कर रहे हैं। या तो बातचीत सिरे चढ़ेगी, या तो समाधान निकलेगा, नहीं तो 13 तारीख की जो महापंचायत है, गांव के ऊपर जिम्मेदारी है, आप हाथ पर हाथ धर करके ना बैठें। एक तरफ बातचीत चलेगी, दूसरी तरफ आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा, और जो जो हमारे कानूनी पहलू है उनके ऊपर हमें ताकत लगानी पड़ेगी। पूरी गांव से, पूरी इस पंचायत से अपील है, 13 तारीख को केवल और केवल 48 घंटे से भी कम का समय है, पूरी अपनी जिम्मेदारी समझ करके महापंचायत की तैयारियां करें। सिर जुड़ेंगे तो सरकार झुकेगी, हमारे पास यही केवल एक रास्ता है। आज पूरे गांव के सम्मान की बात है, हरियाणा के सम्मान की बात है, आपके इन नेताओं के सम्मान की बात है। सारे ताकत लगा दो और पूरी ताकत लगा दो, लड़ाई हमारी आमने सामने की है, बगैर पूरा न्याय लिए हम यहां से उठ के जाने वाले नहीं है। जो जो हमारी मांगे हैं उनके ऊपर सरकार को स्वाभिमान के साथ झुकना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे आंदोलन की विजयी हासिल होगी। आपने मेरी बात सुनी, मुझे समय दिया, और कोई बात मेरे से गलत निकली भी हो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं, और सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपने नेताओं को इस बात का विश्वास दिलाओ। ये खेतर गांव बड़ा क्रांतिकारी है, किसान आंदोलन के आप गवा रहे हो, पूरा इस बात का विश्वास दिलाओ कि ना तो खुद गलत काम करेंगे, ना दूसरे को करने देंगे, ना हिंसा करेंगे, ना हिंसा करने देंगे। और हम भी इस बात के ऊपर, क्योंकि उस दिन भी बार बार अपील करी जा रही थी, लेकिन जब अनुशासन टूटता है तो लड़ाई कमजोर होती है। तो सभी साथियों से यही प्रार्थना, यही अपील है कि अपने अनुशासन को बढ़ा के रखें, धैर्य को बढ़ा के रखें, और शांति से इस आंदोलन को ताकत दें, और 13 तारीख की तैयारी करें। आपने मेरी बात सुनी।